और मैं आज की इस कन्वेंशन में कह रहा हूं तहरुल कादरी को, तेरा कोई शागिर्द, तेरा कोई मुरीद तेरे कुफरियात का दिफा नहीं कर सकता। मैं तुझे जीते जी कह रहा हूं मरने से पहले तौबा कर। इसकी किताबों में जो अमेजिश है कुफर की, अगर मेरी जिंदगी रही तो सारी दूर करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर मैं चला गया ये कोई ना समझे कि वो जो कुछ लिख गया सही लिखा हुआ उसका। टाइम थोड़ा है, मंजिल बड़ी दूर है, और हमें ये दरमियान में जिगर जो काम कितने वो, अब कौन कौन सा दुख छेड़ूं। सलमान तासीर की ताजियतें करने वाले बिलाखिर तहरीक लब्बैक के मामे चाचे बने। जब लफज कोई नहीं बोल सकता था, हमने काफिला चलाया और आगे जाके ठेकेदार वो बने। इतने साल हमारे लगे, अगर वो हमने इस पे लगाए होते तो इस हर सतर की तलाशी ले चुके होते। लेकिन मैं अहले सुन्नत से कहता हूं इसकी फिक्र के अंदर खारजियत भी है, राफिजियत भी है। ये पूरा पक्का खारजी भी है, पूरा पक्का राफिजी भी है तहरुल कादरी। लौंडे उसके चेले चमचे उसके शागिर्द, कोई एक भी साहिब सलाहियत नहीं जो खड़ा होकर उसकी हिफाजत कर सके। इसलिए मैं उसे कह रहा हूं मरने से पहले अपना खुद दिफा करके दिखाओ कि तुमने इस्लाम के साथ क्या दो नंबरी की हुई है। हम भूले नहीं, हमने छोड़ा नहीं, हमने बख्शा नहीं, हमने इसे मुआफ नहीं किया। इसने जो तलवार चलाई है शेख मुजद्दिद के मसलक पर और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर, हमें याद है वो और हैं जो इसकी चमक में गुम होके इसके बरकतों में जा बैठे। हम एक एक जख्म याद है और उसका बदला हमारी नस्लें भी इसकी नस्लों से देंगी। एक वो है, लेकिन इन पीरों से मुझे दुख है। ये शेखुल हदीस सिर्फ चंद नजरानों के उसके शागिर्दों के लिए इनकी जुबानों पे ताले लगे रहे और अब भी लगे हुए हैं, और हमने मसलक बताया और ये उठ के चल पड़े हमारे खिलाफ। एक वो है जिसने पूरे दीन पे हमला किया, ना उसे शर्मे नबी है ना उसे खौफे खुदा, वहदत अदियान की। ये है अमेरिका का एजेंडा जिसके लिए गोद में रखा हुआ है इसको, वहदत अदियान की, लैला की जुल्फों का असीर, जंग की मट्टी का वो एक दीन दुश्मन रहनुमा। चुन लिया है उसने ख्वाहिश से वो टेढ़ा रास्ता, ना वो है राह मुजद्दिद ना ही वो राह रिजा, गौसे आजम भी नहीं है इस चलन के तरफदार, सैयद हजवेर का भी वो नहीं है रास्ता। मसलके असलाह पर वो बन के एक बिजली गिरा, ना हुए ये ला ताल्लुक ना सके फतवा लगा। ला ताल्लुकी वाले बहरूपियों में से हर एक से मैं पूछता हूं, पूरे काफिले पर जुल्म के तुम जिम्मेदार हो, उस वक्त तुम कहां थे ये सारा मसलक लुटता रहा। किसी एक को भी ला ताल्लुक की याद नहीं आई। और जब ईरान के मफादात पे जरब लगी, तफजीलियत और रिफ्त पर जब आँच आने लगी तो इन्हीं छेड़ के आगे कर दिया। मसल के असलाह पर वो बन की एक बिजली गिरा, ना हुए ये ला ताल्लुक ना सके फतवा लगा। उसकी एक एक धांधली पे शोर तो होता रहा, ऐ मगर ये साहबजादे कुछ ना बोले बरमला। मैं भी होता डॉलरों में या गरब का लाडला, फिर बड़े ऊंचे मशायख मुझ पे भी रहते फिदा। अब मुझे इस चीज का रश्क नहीं, मैं अगले शेर में वो बताऊंगा, लेकिन हकीकत बता रहा हूं। मैं भी होता डॉलरों में या गरब का लाडला, फिर बड़े ऊंचे मशायख मुझ पे भी रहते फिदा। ना उन्हें कोई ऐब मिलता ना नजर आती खता, ना मैं जेलों में पिघलता ना मुझे मिलती सजा।
हक परस्तों से हमेशा इस तरह होता रहा। देख लेंगे रोजे माशर किस पे राजी है खुदा। बस बस हक परस्तों से हमेशा इस तरह होता रहा। हर दौर में मंसूर सरेदार रहा है, हर दौर यजीदों का वफादार रहा है। हक परस्तों से हमेशा इस तरह होता रहा। देख लेंगे रोजे माशर किस पे राजी है खुदा। एक शख्स ने हुसामुल हरमैन का रद्द किया, नजरियात अहले सुन्नत का रद्द किया, वेम्बले कॉन्फ्रेंस में शिर्क तौहीद को इकट्ठा कर दिया। ये पीर उसकी पैसों की चमक में गुम रहे, और हमने 14 सदियों की अजान दी और हमारे खिलाफ ला ताल्लुकी।